हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में मार्कशीट डाटाबेस बनाना बताऊंगा कि आप किस तरह से मार्कशीट रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा एक्सेल का पेज है जिसमें हम कुछ हेडिंग्स वगैरह लिखेंगे। तो माना कि मैं हेडिंग्स यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं रोल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हिंदी इंग्लिश, मैथ साइंस कंप्यूटर। उसके बाद हम नेक्स्ट डालेंगे ओबटेन, उसके बाद टोटल, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद रैंक, उसके बाद रिमार्क। ये हमारी हेडिंग्स हो गई। सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और पहले काम करते हैं, इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और इनकी हम हेडिंग बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लिया सबको, ऐसे एक एक करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। उसके बाद जब सबको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे तो सिलेक्शन करेंगे, मिडल में लाएंगे और बोल्ड करेंगे। और इसके अगर बैकग्राउंड और फ़ॉन्ट कलर को हम इफ़ेक्ट करेंगे, तो मैंने बैकग्राउंड और फ़ॉन्ट कलर के लिए चूज कर लिया जैसे ये और ये, क्लियर। और सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर डालेंगे, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला, माना कि 1 2 3 0 1/2017, मतलब 1 2 3 0 1/2017। तो यहाँ पे हम ऐसे ही इसे सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल डी, और हर में हम चेंजेस कर देते हैं रोल नंबर। जैसे इसका होना चाहिए 2 और इसका होना चाहिए 3, इसका होना चाहिए 4, इसका होना चाहिए 5, इसका होना चाहिए 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और ये है हमारा लास्ट वन 10। ओके, अब हम आते हैं रोल नंबर पे। तो रोल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, अब जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर डालना चाहते हैं हम। तो मैंने डाला कि तो रोल नंबर माना कि 101 102 और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट के नेम पे, तो स्टूडेंट का नेम डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया संदीप कुमार, सुधीर मोहन, आशीष शर्मा, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने जैसे डाल दिया राजा वर्मा, धीरज त्यागी, दीपक कुमार, सचिन पुंडिर, पंकज चौहान, संतोष तिवारी, राजेश शर्मा। तो इस तरह हमने नेम की लिस्ट ले लिया। अब हिंदी से लेकर यहाँ तक कंप्यूटर तक हम नंबर फीड करेंगे। जैसे हमने डाल दिया 45 55 62 50 2 43।
तो इस तरह से हम यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे। तो मैं नंबर ऐड कर लेता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 65, 35, 25, 82, 70, 67, 98, 32, 60। तो ऐसे हम नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पे 70 और 67, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी नंबर डालेंगे। हमने यहाँ पे जैसे नंबर डाल दिया 25, 85, 70, 82, 85, 65, 35, 44, 70। ऐसे हमने यहाँ पे भी नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे भी नंबर फिल कर देते हैं। लास्ट वन रह गया हमारा। अब ओपन और टोटल, तो टोटल जो नंबर है हमारा वो यहाँ पे हमारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, पांच सब्जेक्ट है, मतलब टोटल होने चाहिए 500 में से। तो 500 ही यहाँ तक फिल कर लेते हैं। ऑप्टन कैसे निकालते हैं? ऑप्टन निकालने के लिए इक्वल SUM सम शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट लेंगे और सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट दबा के 0 एंटर। दोबारा दिखाता हूँ आपको जूम में। इक्वल SUM सम शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो इस तरीके से आप इसे सम कर सकते हैं। तो मैं सम सबका निकाल लिया। अब परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल AVERAGE एवरेज शिफ्ट दबा के 9, सब्जेक्ट का सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के 0 एंटर। इक्वल AVERAGE एवरेज शिफ्ट दबा के 9 और उसके बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के 0 एंटर। तो इस तरीके से आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। रैंक, रैंक कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ और छूट गया आई थिंक सो, ग्रेड, मैंने ग्रेड नहीं लिखा है तो ग्रेड भी मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं GRAD। ग्रेड निकालने के लिए क्या है? ग्रेड निकालने के लिए हम इफ कंडीशन चलाएंगे। तो मैंने ग्रेड के लिए लिखा कि इक्वल इफ, यदि ब्रैकेट में, यदि परसेंटेज आपका ज़्यादा हो जाए या बराबर रहे 75 से, तो आपका जो ग्रेड है वो बनना चाहिए A+, नहीं तो इफ यदि परसेंटेज आपका ज़्यादा या बराबर हो 65 के, तो ग्रेड बनना चाहिए A, नहीं तो इफ कंडीशन। दोबारा लगाएंगे, यदि परसेंटेज ज़्यादा हुआ या बराबर हुआ किसके 65 तक हुए 55 के, तो हमारा ग्रेड बनना चाहिए B। क्लियर? नहीं तो इफ यदि परसेंटेज आपका ज़्यादा या बराबर होता है किसके 45 के, तो ग्रेड बनना चाहिए आपका C है, नहीं तो D, सॉरी C कैपिटल में, D C कैपिटल में नहीं है, 2 मिनट, यहाँ पे C भी कैपिटल में करना था, यस। और फिर उसके बाद D, फिर ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, 4 बार लगाया क्योंकि 1, 2, 3, 4, 4 इफ लगे हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे, हमारा ग्रेड बन गया।
दोबारा ट्राई करते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपके और समझ में आए अच्छी तरह से। मैंने यहाँ लिखा है यदि इफ़, मतलब इफ़ मैंने होता है यदि, यदि आपका एवरेज ज़्यादा हो या बराबर हो, किसके हो, एवरेज के, किससे, 75 से। यदि आपका एवरेज 75 से ज़्यादा हो जाए या बराबर हो कि, तो आपका ग्रेड बनना चाहिए ए प्लस, नहीं तो फिर यही कंडीशन सेम करेंगे। इफ़ यदि आपका जो एवरेज है वो बड़ा या बराबर हो किससे, 65 से, तो आपका ग्रेड बनना चाहिए ए। फिर इफ़ यदि आपका जो एवरेज है वो बड़ा या बराबर हो 55 के, तो ग्रेड बनना चाहिए बी। नहीं तो इफ़ यदि आपका एवरेज बड़ा या बराबर हो किसके हो, 45 के, तो आपका ग्रेड बनना चाहिए सी, अन्यथा बनना चाहिए डी। तो लास्ट में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लगाया यहाँ पे देखिए एक इफ़ है, दूसरा इफ़ है, तीसरा इफ़ है और चौथा इफ़ है, मतलब चार बार ब्रैकेट बंद 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 बंद, फिर एंटर करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे हमारे, अच्छा यहाँ पे हमने ये डबल कोटेशन नहीं लगाया, ये आ गया। फिर सिलेक्शन करते हैं सभी को, जल्दी निकाल देते हैं। तो ये हमारा रैंक, अब रैंक की बारी है ग्रेड के बाद, तो रैंक निकालते हैं, ये भी यही इसी कंडीशन से निकालते हैं। इक्वल इफ़ यदि आपका एवरेज ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, इसमें ज़्यादा या बराबर हम डालते हैं 75, तो 75 तो हमारा फिर बनना चाहिए जो रैंक है 5 स्टार, मतलब 1 2 3 4 5, फिर डबल कोटेशन कॉमा, यदि इफ़ ज़्यादा हो, मतलब परसेंट से ज़्यादा हो या बराबर हो, 75 की जगह 65, तो स्टार बनने चाहिए 1 2 3 4। यदि एवरेज ज़्यादा हो या बराबर हो 55 से, तो स्टार बननी चाहिए 1 2 3, नहीं तो बनने चाहिए स्टार 1 2, स्टार बननी चाहिए 1 2, फिर ये डबल कोटेशन ब्रैकेट बंद, आगे 2 स्टार आए हैं 51 पे, सही है। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल इफ़ मैंने यदि आपका एवरेज बड़ा हो या बराबर हो, किसके बड़ा या बराबर हो, 75 के, तो बनना चाहिए स्टार 1 2 3 4 5, नहीं तो इफ़ यदि आपका एवरेज क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो किसके, सॉरी 65 के, तो बनना चाहिए स्टार 1 2 3 4, 4 स्टार बननी चाहिए, नहीं तो इफ़ एवरेज 75 हो गया 55, बड़ा हो या बराबर हो 55 के, तो बनने चाहिए स्टार 1 2 3, और नहीं तो स्टार बनने चाहिए 1 2, फिर ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद, ये 3 स्टार लगाने भूल गए थे, ब्रैकेट एंटर, ये निकल गया। तो इस तरह से हमारा डाटा निकल जाएगा, ये रैंक का है, एक बार ट्राई करिएगा आप भी। रिमार्क, रिमार्क के लिए है, रिमार्क में मैंने लगाया इफ़ कंडीशन ही, यदि आपका ग्रेड, यदि आपका ग्रेड बराबर होता है किसके, डी के, तो आना चाहिए फेल, एफ ए आई एल, फेल, नहीं तो सभी होने चाहिए पास, ये हमने कंडीशन बना दी। अब इसे हम दोबारा निकालते हैं,
यदि इफ लगाते हैं, यदि ग्रेड बराबर हो डी के, सॉरी डी के, तो रिजल्ट आना चाहिए फेल का, नहीं तो रिजल्ट आना चाहिए पास का। ब्रैकेट बंद, ये निकल आया। अब इसे हम ड्रैग कर लेते हैं, देखिए ये फेल है, क्लियर, डी आना फेल आ गया। तो इस तरीके से डाटा बन गया। अब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं सभी को, और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लिया, ये हो गया डाटा हमारा। इसे थोड़ा सेट करते हैं जूम टू सिलेक्शन में, ओके। अब इसके बाद हम थोड़ा हेडिंग वगैरह लिख लेते हैं, क्योंकि हेडिंग हमने अभी तक सही ढंग से नहीं लिखा है। तो यहाँ मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, तो मैं 2 3 से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, और करते हैं मर्ज। यहाँ पे हम लिखते हैं मार्कशीट रिपोर्ट, मार्क्स सीट रिपोर्ट, और इसे सेंटर जूम, ओके, बोल्ड, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर। और उसके बाद यहाँ पे एक ही कॉलम है, इसमें एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम एक कॉलम और जो बढ़ाए हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कि कौन से क्लास वगैरह का हम डाटा तैयार कर रहे हैं, तो वो लिखेंगे हम। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया, मर्ज कर लिया, यहाँ पे हम लिखते हैं सी एल ए क्लास 9th ऑफ, कैपिटल में लिख लेते हैं, ऑफ द ईयर 2017। इसे भी हम मिडल में रखते हैं, ऐसे। और ये जो टी एच आई से सही है, चलो ऐसे ही रख लेते हैं, बाकी छोटा भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डाटा, और अब इसे सेलेक्ट करते हैं, और हम करते हैं जूम टू सिलेक्शन, ओके। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया है, मार्कशीट का इंसर्ट, ओके, कंट्रोल ए, फॉर्मेट कॉलम विड्थ, यस। अब हमारा डाटा पूरी तरह से बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो प्रैक्टिस करके देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।